सोमनाथ नुं संचालन करता सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा महानुभाव ने सुवर्ण चंद्रक थी सम्मानित कराया हता। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नुं संचालन करता सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संस्कृत नी सेवा करनार बे महानुभाव ने सोमनाथ सुवर्ण चंद्रक थी सम्मानित करवामां आव्या हता। सोमनाथ ट्रस्टना राम मंदिर ऑडिटोरियम खाते डॉक्टर जयप्रकाश नारायण त्रिवेदी और डॉक्टर हर्षवर्धन मनसुखलाल जानी ने सोमनाथ सुवर्ण चंद्रक थी सम्मानित करवामां आव्या हता। समाज में संस्कृत प्रत्ये लोगों में रुचि विकसे तेना माटे ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम प्रतिवर्ष करवामां आवे छे। तरे कोरोना की महामारी ने पगले आ कार्यक्रम में अनेक महानुभाव डिजिटल प्लेटफॉर्म थी जोड़ाया हता। अनेक संस्कृत ग्रंथों अध्ययन और संशोधन कर देश विदेश में संस्कृत प्रचार करना अनेक सम्मानों सम्मानित थे बने संस्कृत विदोए सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आप सोमनाथ सुवर्ण चंद्रक ने अति महत्वपूर्ण और महादेव आशीर्वाद गणव्य हो। जेमणे मोटू प्रदान कर्यु होय एवा महान विद्वानो एमनो सत्कार सुवर्ण चंद्रक अर्पण करीने सन्मान पत्र अर्पण करीने अने 1,00,000 इनाम अर्पण करीने करवामां आवे छे। दर वर्षेनो आ प्रोग्राम छे अने आ वर्षे 2020 अने 2021 माटेनुं आ प्रदान हतुं। 2020 ने माटे द्वारकाना विद्वान द्विवेदीजी अने 2021 ने माटे अमदावाद थी आवेला विद्वान जानीजी ए बन्ने ने आ पुरस्कार अर्पण करवामां आव्या छे। राष्ट्र भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में सम्मानित जिसके निर्देशन में अब तक 39 PhD अवार्ड हो चुकी है और 40 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हैं। भारत से लेकर विदेशों तक 62 पुरस्कारों से मुझे सम्मानित किया गया है। संस्कृत की लगभग हर ज्ञान शाखा में वास्तुशास्त्र ज्योतिष साहित्य वेद व्याकरण भाषा विज्ञान संस्कृत पत्रकारिता इत्यादि के क्षेत्र में काम किए जाने के कारण मुझे ये सारे सम्मान देकर मुझ पर सभी संस्थाओं ने कृपा की। प्रदान समारोह जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा किया गया है जिसके माननीय अध्यक्ष वैश्विक प्रतिभा के धनी भारत के स्वनामधन्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सम्माननीय सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और सम्माननीय सदस्य श्री अमित भाई शाह जी और भाई डॉक्टर JD परमार साहब जैसे महापुरुष हैं। रामकृष्ण विकास ट्रस्ट विंडसर यूनिवर्सिटी कैनेडा थी शुरू करीने भगवान सोमनाथ नो अनुग्रह એની કૃપા મને પ્રાપ્ત થઈ છે। કોરોનામાં ભગવાન મહાકાલે મને નવું જીવન આપ્યું અને એ સમયે મને નવી ચેતના મળી એમની ઉપાસનાથી। ભગવાન શિવના તંત્રશાસ્ત્રોમાં જે રહસ્ય શાક્તતંત્ર અને શિવતંત્રમાં એ મેં સૌથી પહેલાં ઉજાગર કર્યા છે અને 2700 વર્ષ પછી મેં માહેશ્વર સૂત્રનું તત્વજ્ઞાન લોકોને આપ્યું છે। ગાયત્રી મંત્ર ઉપર મારા એક વિદ્યાર્થીને મેં PhD કરાવ્યું છે। વેદોથી માંડીને આધુનિક સંસ્કૃત અને અત્યંત આધુનિક સંસ્કૃત સુધી મને ભગવાન સોમનાથે પહોંચાડ્યો છે। સોમનાથ ટ્રસ્ટ એના વિચારવાન ટ્રસ્ટીઓ અને મને ગૌરવ પુરસ્કાર તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આજના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આપેલો। ભરતસિંહ જાદવ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ।